हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। तो कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ये कल के वीडियो में आप लोग को ट्वेल्थ क्लास में कौन कौन से चैप्टर आते हैं इसके बारे में बताया था। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट के डेफिनेशन क्या होता है और डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो ये वीडियो कंटिन्यू डिटर्मिनेंट और भी ये जो सारी सीक्वेंस है इस सीक्वेंस पे ये मेरी सारी वीडियो रहेगी। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे वीडियो पे आप लोग नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली मिलती रहे। तो ये मैंने ये सारे 16 चैप्टर बताए थे कि ये इतने अपने को ये क्लास 12th में पढ़नी है। तो आज हम लोग इस वीडियो में हेडिंग डालेंगे डिटरमिनेंट। तो ये अपने पास यहां पे रखेंगे हैशटैग डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का डेफिनेशन क्या होता है, यहां पे डेफिनेशन लिखेंगे। दी नंबर ए बी माइनस एक्स वाई विच इज रिटन इन दी फॉर्म ऑफ ए बी एक्स वाई। मतलब कोई नंबर हमारे पास ये ऐसा है, ए बी ए इंटू बी माइनस एक्स इंटू वाई है, ये इस फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है। अगर हम इस नंबर को इस मतलब ऐसे वाले फॉर्म में अगर लिख दें तो इसी को हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो क्या है अपने पास डेफिनेशन, दी नंबर ए बी माइनस एक्स वाई विच इज रिटन इन दी फॉर्म ऑफ दिस काइंड। तो यहां पे लिखेंगे देन दिस सिंबल इज नोन एज डिटरमिनेंट। तो इस सिंबल को हम लोग क्या बोलेंगे, ये डिटरमिनेंट बोलेंगे। अब यहां पे देखेंगे वेयर, पहले इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी और डेल्टा, कैपिटल डी और डेल्टा से डिनोट करते हैं। जहां पे हमारे पास ये वेयर ए बी एक्स एंड वाई आर दी एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट। विच इज रियल और इमेजिनरी। अब देखो डिटरमिनेंट क्या है, द नंबर ए बी माइनस एक्स वाई विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ये दिस काइंड देन दिस सिंबल ऑफ देन दिस सिंबल इज नोन एज डिटरमिनेंट। तो हम इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं और इसको डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल डी या डेल्टा से डिनोट किया जाता है। जहां पे हमारे पास ए बी एक्स वाई ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। अब ये रियल होगा या इमेजिनरी, रियल कैसा होगा, जैसे ये रियल होगा तो ये या तो 1 2 3 या ऐसे कोई एक रियल नंबर जैसे कि 24 हो गया, 34 हो गया, तो ये रियल हो गया। और इमेजिनरी क्या होता है, आयोटा, आयोटा के इमेजिनरी को हम लोग आयोटा भी बोलते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं, जैसे ये 1 आई 2 आई या 3 आई या ऐसे करके 24 आई 34 आई,
ये ऐसा आयोटा में लिखा रहेगा, तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया। तो अब ये डिटरमिनेंट का डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया, तो अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे रो। रो किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज रो। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे, जहां पे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड डॉट 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 nth rows are denoted by r1 r2 r3 dot 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 rn। ये अपने पास रो का डेफिनेशन हो गया। अब उसके बाद हम लोग कॉलम का डेफिनेशन देखेंगे। वर्टिकल लाइंस आर नोन एज कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डॉट 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 nth columns are denoted by C1, C2, C3, dot dot dot, CN respectively। यहाँ पे भी लिख लेंगे अपन लोग respectively। तो अब ये देखो, अब इसमें मैं बताता हूँ कि रो कौन हुआ और कॉलम कौन हुआ। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट देखेंगे, तो डिटरमिनेंट को अपन कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो ये अपने पास ए बी, ये एक्स और वाई, ये अपने पास सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो ये अपने पास ये वाली लाइंस क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और ये रो फर्स्ट है, तो इसको R1 से डिनोट कर देंगे, और ये रो सेकेंड है तो इसको R2 से डिनोट कर देंगे, और फिर ये अपना कॉलम फर्स्ट है तो C1 से डिनोट करेंगे, और ये अपना कॉलम सेकेंड है तो C2 से डिनोट कर देंगे, और ये वाली जो डायगोनल होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डायगोनल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SD से डिनोट कर देंगे, और फिर ये वाली डायगोनल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PD से डिनोट कर देंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। और इसका दूसरा नाम है मीन डायगोनल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग MD से डिनोट कर देंगे। फिर तीसरा नाम है लीड डायगोनल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LD से डिनोट करते हैं। तो ये अपने पास सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है। अब इसका एक्सपेंशन देखते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट,
सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन देखेंगे। तो एक्सपेंशन क्या बताया था कि ये कौन नंबर लिखा हुआ था, ए बी माइनस एक्स वाई, ये ऐसा नंबर है। तो यहाँ पे क्या है, ये ए को बी से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल को शॉर्ट फॉर्म में अपन पीडी से डिनोट करते हैं, माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस डी, मतलब सेकेंडरी डायगोनल। तो ये अपने पास सेकेंड ऑर्डर की सेकेंड ऑर्डर समझ लिया, और ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेंशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट देख लिया। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, और थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसके ऊपर वीडियो मिलेगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो अपने आने वाली 12th की परीक्षा में वो बेटर से बेटर नंबर को ऑब्टेन कर सके। धन्यवाद।